हाय, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक्स। गाइज, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड से बिलोंग करता हो या उत्तराखंड में एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहा हो। आज हम उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजों का कट ऑफ जानने वाले हैं। लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा, इस बार कितना कट ऑफ रहने वाला है, डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या आपको कॉलेज मिल सकता है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बाकी कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो 85% जो है स्टेट के लिए रिजर्व रहती है सीटें, बाकी 15% जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रिजर्व रहता है ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लेकिन वही अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में 15% सॉरी प्राइवेट कॉलेज के लिए 50% सीट जो है स्टेट के लिए रिजर्व रहती है, बाकी के लिए 50% ओपन रहता है। तो शुरू करते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के। सबसे पहले ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगर टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 3 कॉलेज है। ऋषिकुल आयुर्वेदा कॉलेज जो कि हरिद्वार में सिचुएटेड है, गुरुकुल आयुर्वेदा कॉलेज जो कि हरिद्वार में है, और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा जो कि देहरादून में है। इन 3 कॉलेजों का राउंड वन एंड राउंड टू की कट ऑफ जानेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो जनरल के लिए जो मार्क्स था आपका, की बात करें तो जनरल में आपका जो मार्क्स था क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग मार्क्स था 506 और क्लोजिंग रैंक 1,02,601 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था राउंड वन में। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 469 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था, क्लोजिंग रैंक जो था 1,41,564। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 467 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था, जो कि रैंक था क्लोजिंग रैंक 1,43,507 पे कॉलेज अलाट हो गया था। वही ओबीसी की बात एससी की बात करें तो एससी में 348 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था, जो क्लोजिंग रैंक था 3,18,036 पे कॉलेज अलाट हुआ था। एसटी की बात करें तो एसटी में 247 पे कॉलेज अलाट हुआ था और जो क्लोजिंग रैंक था 5,60,598। ये सारे राउंड वन की कट ऑफ है। अगर हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो राउंड वन में वही 500 आपका 40 रहने वाला है इस बार। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 500 प्लस मार्क्स रहने वाला है। वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका आपका 490 नंबर 490 प्लस स्कोर है तो आपको कॉलेज अलाट हो सकता है। वही एससी की बात करें तो आपका 370 के करीब आपका स्कोर है तो कॉलेज मिल सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी में भी 260 के करीब आपका स्कोर है तो कॉलेज मिल सकता है। ये राउंड वन की क्लोजिंग रैंक था। और अब राउंड टू की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो जनरल के लिए 494 और रैंक जो था 1,14,570। और ई डब्ल्यू एस की बात करें तो ई डब्ल्यू एस में 567 नंबर पे कॉलेज मिला था और जो क्लोजिंग रैंक था 1,43,658। ओबीसी की बात करें तो कोई डेटा फाउंड नहीं हुआ इसके डेटा सीट अवेलेबल नहीं थी। और एसटी की बात करें एससी की बात करें तो 336 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था और जो क्लोजिंग रैंक था 3,42,3,42,297 यहाँ पर आपको कॉलेज अलाट हुआ था। एसटी में भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, कोई सीट अवेलेबल नहीं था। अब हम बात करते हैं राउंड गुरुकुल आयुर्वेदा कॉलेज एंड हरिद्वार। गुरुकुल आयुर्वेदा कॉलेज हरिद्वार में सिचुएटेड है। इस कॉलेज की बात करें तो जनरल के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स था 550 और 450 और जो रैंक था 1,62,828। और ई डब्ल्यू एस की बात करें तो ई डब्ल्यू एस में आपका क्लोजिंग मार्क्स था 5,407 और रैंक था 2,19,892। इसमें कॉलेज अलाट हो गया था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 405 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था, जो क्लोजिंग रैंक था 2,23,365। और एससी की बात करें तो एससी में आपका 268 पे कॉलेज मिला था और जो रैंक था 5,956। ये सब राउंड वन की कट ऑफ है। अब एसटी की बात करें तो जस्ट आपका 196 नंबर पे कॉलेज अलाट हो गया था, जो क्लोजिंग रैंक था 7,28,657। ये सारे राउंड वन की कट ऑफ है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आपका 480 प्लस रहने वाला है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आपका 450 से ऊपर रहने वाला है। और
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 450 प्लस रहेगा। वही एससी की बात करें तो एससी में आपका 268 के करीब स्कोर, 290 के करीब आपका आपका स्कोर है, तो आपको कॉलेज अलाट हो सकता है। वही एसटी की बात करें तो एसटी में भी आपका 220 के अप्रॉक्स आपका नंबर है, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ये राउंड वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और राउंड टू की क्लोजिंग रैंक मान जनरल के लिए जो है 114,570 पे कॉलेज मिला था, और ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। एससी की बात करें तो 293 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था, और जो क्लोजिंग रैंक था 437,239, और एसटी के लिए 135 नंबर पे कॉलेज हो गया था, अलर्ट हो गया था। जस्ट क्वालिफाई मार्क्स था 1,24,627 क्लोजिंग रैंक था। अब हम फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा की बात करें तो इसमें जो जनरल के लिए कट ऑफ था 435, और जो रैंक था 1,82,285, और ई डब्ल्यू एस की बात करें तो यहाँ पर 395, और जो क्लोजिंग रैंक था 237,589, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 366 था। जो क्लोजिंग रैंक था वो 285,625। एससी की बात करें तो एससी में आपका 301 था, 417,054 था। एसटी की बात करें तो यहाँ पर एसटी में आपका जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे अलॉट हो गया था, जो कि 991,438 नंबर पे कॉलेज मिल गया था। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहाँ पर अगर आपका स्कोर इस बार 480 के करीब है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। वहीं अगर आपका ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस में आपका 430 नंबर के करीब अगर आपका स्कोर है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। वहीं अगर आपकी बात ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 410 प्लस रहेगा तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एससी की बात करें तो एससी में आपका 335 के करीब स्कोर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी की बात करें तो यहाँ पर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आपका 170 के करीब स्कोर है तो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल के लिए और क्लोजिंग सेकेंड राउंड की कट ऑफ 443 पे कॉलेज मिल गया था, जो कि रैंक था 1,71,495, और ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी का कोई डेटा फाउंड नहीं हुआ। एससी की बात करें तो 301 नंबर पे कॉलेज मिला था, जो कि क्लोजिंग रैंक था 417,054, और एसटी में भी कोई डेटा फाउंड नहीं हुआ। ये है सारे कॉलेजों का क्लोजिंग रैंक और उसका मार्क्स, और आपको कितने नंबर पर कॉलेज मिल सकता है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए आपको एक कॉलेज अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करने में। इसके बाद हम बात करेंगे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ। बात करते हैं जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी की बात करें तो सबसे पहले अरोमा की बात कर लेते। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, सबसे पहले मैंने बताया था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सबकी जो 50% सीट है वो स्टेट कोटा को रिजर्व रहती है, मतलब उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेगी, और बाकी के 50% जो सीटें हैं वो स्टेट के लिए ऑल इंडिया के लिए ओपन रहेगी। तो ये आपका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। अगर आप हम बात करते हैं अरोमा की, तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए जो क्लोजिंग रैंक था आपका, जो स्कोर पे आपका स्कोर पे एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, आपका जो है रैंक पे एडमिशन डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरोमा आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि हरिद्वार में सिचुएटेड है। अनरिजर्व के लिए 335,660 नंबर पे कॉलेज अलॉट हुआ था, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका 1,42,100 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। अब दूसरी कॉलेज जो है विहिप आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि देहरादून में है, इसका जो अनरिजर्व के लिए क्लोजिंग रैंक था 734,735, और जो ओबीसी के लिए 941,684 नंबर पे कॉलेज अलाट हुआ था। ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 764,408।
अब कोर मेडिकल कॉलेज जो कि आपका रुड़की में सिचुएटेड है, इसकी बात करें तो अनरिजर्व के लिए 8,45,210 रैंक पे क्लोज हुआ था और ओबीसी के लिए 10,46,212 पे क्लोज हुआ था। ऑल इंडिया की बात करें तो 8,02,649 पे कॉलेज अलॉट हुआ था। अब देवभूमि मेडिकल कॉलेज जो कि देहरादून में ही है और उसकी बात करें तो यहाँ पर 8,42,142 पे अनरिजर्व की रैंक क्लोजिंग रैंक थी और ओबीसी की बात करें तो 8,87,655 पे का क्लोज हुआ था। अब हम बात कर लेते ऑल इंडिया कोटा की तो 4,88,537 पे रैंक क्लोज हुआ था। अब हम देवभूमि की बात कर लेते हैं, सॉरी दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि देहरादून में है, इसकी बात कर लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 8,80,025 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी की बात करें 9,81,654 पे क्लोज हुआ था। वही ऑल इंडिया की बात करें तो 4,72,828 पे क्लोज हुआ था। हिमालय की बात करें तो हिमालय एक डिमांडिंग कॉलेज है, इसकी क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व के लिए 5,17,345 और जो ओबीसी के लिए 9,41,687। ये जो मैं बता रहा हूँ का ये स्टेट कोटा के लिए है और इधर ऑल इंडिया कोटा के लिए है, मतलब ये उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए ये कट ऑफ है और ये ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ है। तो हिमालय के ऑल इंडिया कोटा के जो कट ऑफ रहा 5,50,643 और स्मृति मंजीरी देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जिसकी क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व के लिए 8,06,626 और ओबीसी के लिए 10,36,123 था और ऑल इंडिया की बात करें तो 10,36,123। मदरहुड की बात करें तो मदरहुड में आपका जो रुड़की में है इसकी बात करें अनरिजर्व के लिए 8,39,971 और ओबीसी के लिए 9,25,637 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,53,236 और ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 5,78,416। ये आपका ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। पतंजलि की बात कर लेते हैं, पतंजलि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है, इसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है और यहाँ पर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 2,38,138 अनरिजर्व की क्लोजिंग रैंक थी। ओबीसी की बात करें तो 2,71,739 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 7,107 और एससी की बात करें तो 8,55,194 पे कॉलेज अलाट हुआ था और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 8,91,153 ये स्टेट की कट ऑफ थी और ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में आपका 1,08,667 पे कॉलेज अलाट हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कोटा की, कोटा जो कि रुड़की में है 8,24,026 अनरिजर्व के लिए क्लोजिंग रैंक था, ओबीसी के लिए 9,61,516 और एससी की बात करें तो 8,58,012 क्लोजिंग रैंक था। ऑल इंडिया की बात करते हैं तो ऑल इंडिया में आपका 6,12,114। अब शिवालिक की बात कर लेते हैं, शिवालिक जो कि देहरादून में है यहाँ पर आपका जो अनरिजर्व के लिए 6,73,831 था और ऑल इंडिया के लिए 7,83,954। अब सूरजमल मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि आपका अनरिजर्व के लिए 7,23,152 पे क्लोज हुआ था अनरिजर्व के लिए और एससी की बात करें तो 10,33,779 पे कॉलेज अलर्ट हुआ था और ऑल इंडिया कोटा की जो बात करें तो 10,44,950। ये सारे कॉलेज का रैंक था जिस पर आपको एडमिशन मिलना है, क्योंकि आपका जो है मार्क्स पे नहीं रैंक पे ही कॉलेज अलॉट होता है, काउंसलिंग जो है रैंक पे डिसाइड करते हैं। तो आप अपना रैंक डिसाइड करके किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज जो कि आपको लेना है उस पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। अगर आप कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9369982118 इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और कॉल करने के लिए आपका जो दूसरा नंबर है हमारा 8,83,55,95,11 इस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट टाइम टू टाइम देते रह रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।